ये देखे बैठा हुआ जंगल में दो तीन घुस के अंदर बैठा हुआ एंजॉय कर रहा, मस्ती कर रहा है। ये बाबू घाट है, ये भी बाबू घाट है, पर यहाँ से औड़ा का जाता है और ये रामकृष्ण। गाइस वेलकम बैक टू नंबर वन व्लॉग। कुछ अलग नज़ारा हम लोग देखने वाले हैं मिलेनियम पार्क घूमने के लिए। इसलिए मेरे को वहाँ पे एक अलग ही नज़ारा मिलता है। बहुत बड़ा गार्डन है और अच्छा झूला वूला सब है। और तो गाइस चलिए चलते हैं आगे। अभी हम बैठ गए हैं नाव पे और राम कृष्ण घाट से बैठे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं। देखिए गहराई इतना है कि इसके अंदर आदमी गिर जाए तो पता भी नहीं लगेगा, कई नाव भी डूब जाएगा। यहाँ पे कितने लोग आते हैं नहाने के लिए और कितने लड़के, हर साल 4-5 लड़के मर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहाने से यहाँ पे कोई बाज नहीं आता, नहाता ही है। और उस चक्कर में कितने लड़के डूब के मर जाते हैं। तो ये जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ख़तरनाक जगह भी है। अलग हो रहा है, ऊपर साइलेंस है, लाइट लगा हुआ है, ये बाबू घाट है, ये भी बाबू घाट है, पर यहाँ से औड़ा का जाता है और ये रामकृष्ण कूट से जाता है। ये देखिए, ये परवेश भाई देखा कितने बड़ा स्क्रीन वाला फोन, ये फोन बोल रहे इसको परवेश भाई कहा गया। ये देखिए राम से बड़ा स्क्रीन वाला फोन हवा भी नहीं दिख रहा। बाबू घाट की ओर जा रहे हैं। तो गाइस देखिए ये थार खड़ी है, कोई गाड़ी से आया है गार्डन में घूमने के लिए। और ये बच्चे लोग देखिए झूले वूले पे एंजॉय कर रहा सब, और यहाँ पे फोटो लिया जा रहा है, और इधर कपल लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। इधर जंगल में झाड़ी में लेकर बैठा हुआ रहता है। ये देखिए बैठा हुआ जंगल में दो तीन घुस के अंदर बैठा हुआ एंजॉय कर रहा, मस्ती कर रहा, इसलिए इसको मिलेनियम पार्क बोलते हैं, मिलने वाला पार्क। घर लग रहा लेकिन ये घर नहीं है, स्टीमर है, बड़ा वाला स्टीमर है। टिकट आज फ्री कर दिया है, तो मिलेनियम पार्क का 20 रुपया किराया है, लेकिन आज टिकट फ्री कर दिया, उसका वजह कुछ भी हो सकता है, इसे लटक रहा है और गिरेगा तो क्या होगा। तो गाइस ये छोटा वाला स्टीमर देख रहे हैं ना, ये रॉकेट के जैसा उड़ता है, एकदम रॉकेट के जैसा, और बहुत स्मूथ चलता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसमें घूमने में। ये सामने का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये रामकृष्ण घाट से बाकी ओर आ रहा है, जो साइड में हम लोग वही साइड में आ रहा है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, इसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है, कई जहाज डूब जाएगी पता ही नहीं लगेगा। सामने हावड़ा ब्रिज है। चढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि हम स्टीमर में बैठे हुए, ऐसा लगेगा घर में बैठे हुए। इंडिया में विदेशी जहाज, एक जहाज वहाँ पे है सबसे आगे। आने वाला टाइम में मेरे को लग रहा है तुम कोनों पर है। इधर का व्यू का नज़ारा थोड़ा ठीक लग रहा, वो साइड से तो अच्छा लग रहा, उधर तो बस गंद मचा हुआ है, सब झाड़ी में लगे बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर फैमिली को ला सकते हैं, आप फैमिली को घुमा सकते हैं यहाँ पर लाकर इस जगह पे। ये पिकनिक मनाने का जगह है, यहाँ पे आके पिकनिक कर सकते हैं, पूरा मैदान खाली है। यहाँ से हावड़ा ब्रिज साफ दिख रहा है, उसी की वजह से तो इतना आपत हो रहा है यहाँ पर, जहाँ देखो उतनी आपत्ति हो रहा है, बस ले लेकर बैठा हुआ चाक रहा है। मज़ा नहीं, मज़ा तो रूम में आता है, ये खुले जगह में मज़ा थोड़ी आता है, ये तो देखने के लिए, दिखलाने के लिए ऐसे लगता है। कैसा लग रहा है यहाँ ऐसा? बोल बोल बोल। हाय, ये नंबर वन ब्लॉगर चैनल है, बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब लाइक और फॉलो बिल्कुल दिखाएंगे। तो गाइस शाम के 7 बज गए हैं, तो हम लोग सोचे कि आए हैं तो ज़रा घूम लेते हैं, नाइट में भी, नाइट का भी खूबसूरती देख लेते हैं, यहाँ पर कैसा लगता है। देखिए घाट की तरफ
कितना सब लोग सेल्फी वेल्फी लिया जा रहा है यहाँ पे। और ये घाट है, वो जो बड़ा वाला जहाज़ बताए थे उसी में पार्टी वार्टी चल रहा है। पूरा डेकोरेशन बहुत, जो बड़ा वाला जहाज़ आप लोगों को दिखाए थे वो बड़ा वाला जहाज़ वही है। देखिए नाइट में कितना भयानक व्यू लग रहा है, नाइट में पार्टी चल रहा है, सबसे बड़ा जहाज़ है यहाँ पे। दिन में कैसा लग रहा था देखने में, कोई खास नहीं लग रहा था, लेकिन नाइट में पार्टी चल रहा है। गंगा जल भर रहा हाँ। सोना चांदी ढूंढ रहा का? उसमें हीरा उसका। अरे ऐसा में तो सोना चांदी भी सोना चांदी में है ना, तो पैकेट में पैसा वैसा रहता है ना, वही चीज़ पैसा और गहना उना छूट जाता होगा ना गलती का। गहना की सोना का थोड़ी रहता है, नहीं रहता है, इसमें पैसा वैसा रहता है, कपड़ा वपड़ा रहता है। यहाँ पे कितना कम पानी है, वही थोड़ा सा आगे चल जाइएगा ना तो डूब जाइए। वो बीच पे जाने के बाद तो समझ लीजिए कि आदमी का पूरा नाव गायब हो जाएगा, वो बीच में इतना गहराई है। तो गाइस अभी जहाँ पे आए हैं हम लोग वहाँ पे सेल्फी लेने का सबसे अच्छी जगह और सबसे बेहतर जगह मिलेनियम पार्क का ब्रिज है। ओह हो, नाइट का व्यू सुपर। नाइट का व्यू यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है, मिलेनियम पार्क के पास छोटा वाला हावड़ा ब्रिज, मस्त व्यू आ रहा है। ये छोटा वाला हावड़ा ब्रिज है। वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग को जगह का जानकारी दें, कुछ चीज़ों का जानकारी दें, जिससे आप भी सीख पाएँ हम भी सीख पाएँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। भाई लोग आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइबर मेरा बढ़ नहीं रहा यार, क्या हो गया यूट्यूब पे मेरा सब्सक्राइबर रुक के रह गया, 650 में कुछ रुक गया है। वीडियो डाल रहा है लेकिन यूट्यूब मेरे साथ धोखा कर रहा है, सब्सक्राइब मेरा बढ़ नहीं रहा। वीडियो डालता है तो कुछ तो सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। अभी जब मेरा चैनल मोनेटाइज होने में कुछ 300 कुछ बाकी है तो उसमें अटका के रख दिया। बाकी आप लोग सपोर्ट करो, जो भी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, बेल आइकन दबाना, ठीक है। और कुछ ना कुछ नेक्स्ट वीडियो में नया लेके आएंगे, ओके बाय।